माशाल्लाह हमारे सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, तो भाई अदब के साथ मैं गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और सरफराज भाई तशरीफ लाएं। हमारे मेहमान दोनों बेताब हैं आने के लिए, मगर हजरात आने के लिए मैं इसलिए खड़ा हूं कि उठाना बैठाना ये सब नकीब का काम रहता है, लेकिन पीरे तरीकत अल्लामा सैयद गयासुद्दीन साहब का हुक्म हुआ कि मौलाना ताहिर साहब एक दो शेर पढ़े थे, आप भी तहते लफ्ज में एक दो शेर पढ़ दीजिए ताकि मुशायरा में आपकी हाजिरी हो जाए। और हम जानते हैं कि इस मुशायरे के लिए सदरे जलसा के लिए हमारे सब्र आलम साहब, सरफराज साहब, शहबाज साहब अदब से मेरा नाम देते हैं, कहते नहीं हजरत आपको रहना ही है, वो कहीं हमें जाने नहीं देते। और पीरे तरीकत भी कहते हैं कि आपको लाख जलसा आए मगर आपको यही रहना है। हालांकि आप जानते हैं कि खुर्शीद अनवर भी अभी अपने वक्त में कम जल से जुलूस नहीं करता, मगर ये तारीख जब सब्र आलम और जो भाइयों की आती है, फुरवा का नाम आता है, तो हमें भी डर लगता है कि हमें इनके बीच रहना है, कहीं आपका दिल न टूट जाए। इसलिए मैं इन भाई तीनों भाइयों का ख्याल करता हूँ। पीरे तरीकत बस तहते लफ्ज तीन शेर सुन लीजिए, तीन भाई तीन शेर, सैयद साहब ने वो दिया है कि तीन तीन भाई तीन शेर, बस तेजी से सुन लीजिए, मगर मैं कुछ लगाव रख रहा हूँ जमाले मिल्लत की तरफ, आप लोग बोल दीजिए सुभान अल्लाह। शेर सुनिएगा कि रोक लेती है आपकी निस्बत, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, हाय हाय वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं जी, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूलल्लाह, हम पर आने वाले अजाब टलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं। माशाल्लाह हमारे हमारे मेहमानों ने जिस तरीके से मुझे नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो खुद मेहमानों के नवाजने के लिए। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं। और एक शेर सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर या रसूलल्लाह। अब एक शेर सुन लिए तेजी के साथ कि अब हमें क्या कोई गिराएगा, अरे अब हमें क्या कोई गिराएगा, क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमारे बड़े भाई सैयद गुलाम अहमद रजा साहब कबला सादगी।